Okay, so good evening, everyone. We shall start the session now. In the last class, we did a few Google Docs examples and practice. In today's class, we are going to cover Google Forms. The Google Forms का basically कोई app नहीं होता है mobile में, जैसे बाकी सबका होता है. It is simply we have to go to Chrome browser and type forms.google.com. एड्रेस बार से सीधा टाइप कर सकते हो forms.google.com या फिर आप ऐप okay, we're back again. Sorry for the disturbance. So everyone can see my screen. Can you unmute yourself and speak? Yes, sir. Yeah. So Google Forms is basically we use to make a survey kind of thing, or we can take a feedback or an order form like Praveen sir also does. Okay, we have created Sarasvati Puja form, IEI November. We create different Google Forms. So we'll learn the basics of Google Form first. So I was saying that address bar में क्या type करना पड़ता है forms.google.com या app launcher में आप जाके directly Google Forms का जो भी ये icon है उस पर click कर सकते हो. Otherwise you can go directly into Drive. आप Drive में जाओ directly and then click on the plus new button. You will get options of Google Forms here also. आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म का. आप देख सकते हैं ये रहा गूगल फॉर्म का ऑप्शन. सो ऑलरेडी बहुत सारा टेम्पलेट बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्पलेट बना हुआ है 5-6. अदरवाइज यू कैन यूज द ब्लैंक गूगल फॉर्म एंड मेक योर ओन गूगल फॉर्म. सो लेट अस मेक अ ब्लैंक गूगल फॉर्म. दो जगह आप देख सकते हैं आप नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ नाम चेंज करते हो तो दोनों जगह ऑटोमेटिक नाम चेंज हो जाएगा. सो दिस इज माई गूगल फॉर्म 1. Google Form 1. अब देखो नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. फॉन्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, गूगल फॉर्म का पर्पस क्या है. दिस इज अ जनरल सर्वे फॉर्म, प्लीज फिल द फॉर्म विथ रिगार्ड या बेस्ट रिगार्ड, जो भी लिखना है आपको आप लिख सकते हो. मेरे को क्या इंटरेस्ट है, सबसे पहले मेरे को चाहिए आपका नाम. आई वॉन्ट टू नो योर नेम. मल्टीपल चॉइस नहीं, दिस विल बी अ शॉर्ट आंसर. रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, अगर आप इसका आंसर नहीं दोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे. रिक्वायर्ड नहीं करते हो मतलब ऑप्शनल है, यू कैन आंसर एंड और नॉट आंसर. सो आई मेक अ मेक इट एज रिक्वायर्ड. ओके, नेक्स्ट आई वॉन्ट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. कॉन्टैक्ट में दो टाइप का आता है, एक वॉइस भी आता है और एक व्हाट्सएप भी आता है. पहले कॉन्टैक्ट वॉइस हो गया एंड देन आई विल मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड सिंपली चेंज दिस वॉइस टू व्हाट्सएप. एंड आई कैन ऑल्सो मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड आई कैन आस्क फॉर अ ऑल्टरनेटिव नंबर. नेक्स्ट आई एम इंटरेस्टेड इन योर कॉन्टैक्ट वॉइस. कॉन्टैक्ट वॉइस मतलब कॉलिंग नंबर हो गया. कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप मतलब कोई मेरे को ग्रुप बनाना है अगर आपका. एंड कॉन्टैक्ट मीन्स फोन नंबर बेसिकली. वी यूज द वर्ड कॉन्टैक्ट.
जैसे आप डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हो ना, ऑटोमेटिक ये डे मंथ एंड ईयर आ जाता है, डे मंथ एंड ईयर आ जाता है. एंड नेक्स्ट आई कैन आस्क स्लॉट इन विच यू विश टू ज्वाइन. सो आई कैन गिव स्लॉट का एग्जाम्पल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. एंड आई कैन गिव वन ऑप्शन इज ऑनलाइन. एंड एक और ऑप्शन में दे सकता हूँ रिकॉर्डेड क्लासेस. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी, लाइक दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप कोई भी एक ही आंसर सेलेक्ट कर पाओगे, नॉट मोर देन वन. बट अगर मेरे को चाहिए आप एक से ज्यादा सेलेक्ट करो, लाइक हाउ मेनी टाइम्स, नहीं और क्या सकती एक से ज्यादा में, लाइक टीचर्स यू विश टू टेक एज योर मेंटर. तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एपी, वीपी, ईपी, एसए, जितने टीचर्स हैं हमारे यहाँ पर. एंड आई विल मेक इट अ चेकबॉक्स. चेकबॉक्स का मतलब क्या हुआ, आप एक साथ मल्टीपल आंसर सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, नॉर्मल शॉर्ट आंसर कैसे बनाते हैं. अब कोई बच्चा बदमाशी करेगा, नाम में उल्टा फुल्टा नाम लिख देगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स वैलिडेशन कर सकता हूँ. ये तीन डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर क्लिक करिए एंड गो फॉर रिस्पॉन्स वैलिडेशन. तो नंबर नहीं हो सकता यहाँ पर, क्या हो सकता है, ओनली टेक्स्ट. इट शुड ओनली कंटेन टेक्स्ट. तो कोई अपने नाम में नंबर यूज नहीं करता है जनरली. अच्छा, कॉन्टैक्ट में क्या होना चाहिए, ओनली नंबर, ओनली नंबर. तो इसको रिस्पॉन्स वैलिडेशन बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, ओनली रिस्पॉन्स वैलिडेशन. दिस इज नोन एज रिस्पॉन्स वैलिडेशन. नाउ आप यहां से फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हो कि लोगों को फॉर्म कैसा दिखेगा. ऐसा दिखेगा आपको फॉर्म, नेम, कॉन्टैक्ट, 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 डेट ऑफ बर्थ, स्लॉट इन विच यू विश टू ज्वाइन एंड टीचर्स यू विश टू टेक एज योर मेंटर. लेकिन अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये गूगल फॉर्म, क्या क्या चेंजेस करना है मेरे को, कस्टमाइज करना है थीम, एक इमेज चूज करना. आप इमेज में कुछ भी चूज कर सकते हो, लाइक आई कैन टेक दिस, आई कैन टेक दिस, कुछ भी ले सकता हूँ मैं. मेरे को ये लेना है इमेज सपोज का, इंसर्ट. तो आप देखोगे गूगल फॉर्म के हेडर में ऐसा इमेज आ जाएगा. अब प्रीव्यू देखो, अच्छा लग रहा है प्रीव्यू. लाइक जो भी आपका पर्पज है आप इसको अपना हेडर बना सकते हो, किसी इंसान का फोटो भी बना सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो गूगल फॉर्म का, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, डेकोरेटिव कर सकते हो, या फिर आप इसको फॉर्मल कर सकते हो. तो दिस इज फॉर्मल, तो मैं फॉर्मल ही रहने दे रहा हूँ. नाउ कम टू द सेटिंग्स पार्ट. आई वॉन्ट टू कलेक्ट ईमेल एड्रेस, इसलिए मैंने ईमेल का अलग से ऑप्शन नहीं बनाया. क्योंकि फॉर्म में क्या होता है, ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने का, जब जिस भी आप ईमेल एड्रेस से फॉर्म भरोगे वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा. रिस्पॉन्स रिसिप्ट का मतलब होता है कि आप सामने वाले को इसका एक कॉपी देना चाहते हैं ऑलवेज, ताकि आपके पास ये प्रूफ रह जाए कि आपने ये फॉर्म भरा है. ये ऑप्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक्चुएटर्स कोलकाता वाले ही, मतलब जिसका आईडी @actuatorsindia.com है वही यूज कर पाएंगे. बट ये वाला आईडी भी किसी के पास है नहीं, तो मेरे को ये क्लिक करके फायदा नहीं होगा. लिमिट टू वन रेस्पॉन्स मतलब एक आईडी से एक ही बार फॉर्म भर सकते, ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो, ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो. एंड देन एडिट आफ्टर सबमिट, आप भर दो, फिर आपको लगा आपने कुछ गलती भरा है तो आप उसको एडिट कर सकते हो. Next is presentation. Do you want to show the progress bar? Do you want to shuffle the question order? And by default, your response has been recorded. बोल के दिखाता है whenever you press submit button. Quizzes वाले part पे अभी नहीं जा रहे, जब हम लोग MCQ कुछ exam वगैरह लेंगे तब जाएंगे quizzes वाले part में. So let us save this. Now check the preview. See this. ऐसा आ रहा है. ईमेल एड्रेस,
ईमेल एड्रेस ना आपको टाइप करने का दरकार नहीं पड़ेगा. Like you don't have to type the email address. Whenever you fill up the form, it will automatically get recorded. But yahan preview mein dikha raha that we are collecting the email address, name, contact. Now the form is okay. Fine. Send. Ya to main email ID type karke send kar sakta hu. And email karunga to email mein form bhi chala jayega. Ya fir main ek link ko share kar sakta hu copy karke. To main bhi wahi kar raha hu. लिंक को कॉपी करके मैं ये चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा. जो गूगल मीट का जो चैट बॉक्स है, आई विल शेयर इट इन दिस. अब आपको क्या करना है, इस लिंक को क्लिक करके फॉर्म भरना है. जैसे जैसे आप फॉर्म भरोगे, मेरे पास यार रिस्पॉन्स में आते जाएगा. नाउ यू कैन सी दिस एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, यू कैन सी दिस एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज. इसको अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो आप फॉर्म भर नहीं पाओगे. तो फॉर्म चालू रखना, बंद रखना, ये टोटली फॉर्म मेकर के ऊपर डिपेंड करता है. ये टोटली फॉर्म मेकर के ऊपर डिपेंड करता है. तो अभी मैं चालू रख रहा हूं. प्लीज फिल अप द फॉर्म. दोज वर इन द क्लास, जो लोग भी क्लास में हैं, वो फॉर्म फिल अप करें. एंड इफ यू वांट टू सी द एक्सेल वर्जन, यू हैव टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट. देखोगे आप, जैसे जैसे फॉर्म का रिस्पॉन्स आएगा, वैसे वैसे स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. जैसे अभी किसी ने फॉर्म भरा नहीं है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर रिस्पॉन्स 0 से 1 हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर विद टाइम स्टैम्प एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. तो आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू फिल अप द फॉर्म. आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू फिल अप द फॉर्म. I have not received any responses yet. Yeah, Varsha ne reply kiya. To dekho, automatically isme bhi update ho gaya. Like every time you don't need to export an Excel. Okay, so remind them. Ek bar agar aap export kar lete ho, to automatically update ho jata hai. This is a very good feature in Google Form. Automatic updation ho jata hai Excel mein bhi. Like किसी ने फॉर्म अगर लेट से भरा है तो ये ऑटोमेटिक अपडेशन हो जाता है. इसको लेके मैं इस पे सॉर्टिंग कर सकता हूँ, मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, ठीक है. तो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन एज. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एपी वीपी पीपी ऐसे कॉमा 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 आ गया, राइट. इसको मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को क्या करना है, अलग अलग करना है. तो हाउ टू डू इज, टेक्स्ट टू कॉलम में मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा. डेटा में जा करके स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक ये स्प्लिट हो गया. एक्सक्यूज मी सर, कैन यू टेल मी हाउ डिड यू गेट दिस ऑन स्प्रेडशीट? नो इश्यूज, सिंपल फोटो रिस्पांस पार्ट एंड यू कैन सी दिस द आइकन ऑफ. ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस, दे विल आस्क यू whether you want to have a separate spreadsheet or the existing spreadsheet. जैसे मैंने already export कर लिया था तो मेरे से पूछा नहीं, but whenever you make a new Google form, when you export it, they will ask you the question whether you want to have a new spreadsheet or whether you want to have the existing spreadsheet. So Google form कहाँ से बनाते हैं? Like go to the address bar and type forms.google.com. This is the address, like this is the designation for the address, forms.google.com. When you click on this, click on the blank thing. So ab responses ke paas mein aate hai. Jaise abhi to 3 hi bacche hai, to 3 bacche ka response mere paas aa gaya. Aap dekh sakte ho yahan par pura chart ban ke aa jata hai. तो आई कैन गेट टू नो, 2 बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं, 1 बच्चा बॉन्डिंग करना चाहता है. फिर टीचर्स यू विश टू टेक, एपी हैज गॉट 100% रिस्पॉन्स,
बाकी का 66.67% है, डिपेंड्स लाइक वी कैन गेट एंड आई कैन सिंपली कॉपी दिस लाइक सी आई कैन कॉपी द चार्ट एंड आई कैन गो टू अ वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आई विल ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड आई कैन मेक अ प्रेजेंटेशन विथ इट लाइक आई कैन सिंपली पेस्ट इट आउट मैं सिंपली इसको पेस्ट आउट कर सकता हूँ Let me go to a Google Doc that is similar to Word, and I have copied the chart. I'll go to document and then simply paste it out here. जिसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मान लो एक सेकेंड इसको मैंने यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है कॉपी करने का कॉपी कर दिया चार्ट एंड सिंपली गो टू वर्ड एंड पेस्ट इट आउट हियर ये हम लोग का लाइसेंस वर्जन नहीं है अभी बोल के पेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे देखिए पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है अदरवाइज हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं लाइक आप प्रोजेक्ट वर्क वगैरह बना रहे हैं आपने रिस्पॉन्स कलेक्ट किया है तो आप सिंपली इसको पेस्ट कर सकते हैं नो इश्यूज ठीक है ये चीज क्लियर है आपको नेक्स्ट अगेन मेरे को गूगल फॉर्म बनाना है फॉर्म्स और गूगल डॉट कॉम How to create MCQ and how to market. हम लोग कैसे एक MCQ exam बना सकते हैं how to market. This is my Google form 2. Answer the following questions. तो मैं MCQs on G Suite simply copy and paste so ये मेरा क्वेश्चन है मैं इसको क्या करूंगा कॉपी करूंगा कॉपी किया क्वेश्चन नंबर वन है मेरा एंड ऑप्शन क्या क्या है गूगल क्लासरूम ऑप्शन टू है गूगल फॉर्म्स ऑप्शन थ्री है गूगल शीट्स एंड ऑप्शन फोर है गूगल डॉक्स रिक्वायर्ड इट इज कंपल्सरी टू आंसर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अलाउज यू टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर टू Google Docs Google Sheets Google Forms and Google Drawings तो मैंने दो एमसीक्यू का टेस्ट क्रिएट किया है सबसे पहले सेटिंग्स में जा करके जो नॉर्मल जो सेटिंग्स होता है वो तो मैंने आपको सिखाई दिया है अब सिंस ये एग्जाम है तो हम लोग ये वाला ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे एडिट आफ्टर सबमिट मैं क्विजेस में जा करके पहले तो इसको मेक दिस अ क्विज करूंगा नाउ सी वेदर आई वॉन्ट टू शो यू मार्क्स इमिडिएटली आफ्टर सबमिशन जैसे ही आप सबमिट प्रेस करोगे आपको नंबर में दिखाना चाहता हूँ या लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू
तो सबसे पहले वाले में मैं चाहता हूं कि आपको मार्क्स तुरंत दिख जाए. रेस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर एंड पॉइंट वैल्यूज. तो दिस शुड बी द सेटिंग. सेव. अब हर बच्चा को अगर मैं चाहता हूं अलग अलग ऑर्डर में क्वेश्चन दिखे, तो शफल द क्वेश्चन ऑर्डर. अच्छा, इसका आंसर है कुछ भी आंसर बताओ, क्या आंसर होना चाहिए. तो मैं को इसको क्लिक करना पड़ेगा. आंसर की में जाऊंगा मैं. दिस इज 5 points क्वेश्चन. इसका आंसर ये है. डन. नेक्स्ट. उसका आंसर, आंसर की में जाके गूगल फॉर्म्स एंड यहां से आप पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं. तो बताओ ये कितने मार्क्स का एग्जाम हो गया. 5 into 2, 10 marks. तो आपको फॉर्म कैसा दिखेगा. फॉर्म कैसा दिखने के लिए क्या जाना पड़ता है. प्रीव्यू में क्या आपको यहां पर 5 points दिखा रहे हैं. 5 points का मतलब क्या होता है. 5 marks. 5 points का मतलब होता है 5 marks. ठीक है. अब आप एक चीज नोटिस करोगे, जब मैं ये फॉर्म आपसे शेयर कर रहा हूं, जब मैं इसका फॉर्म का लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं, आप मेरे को ये बताना कि आपको आंसर, आपको जो मार्क्स है वो तुरंत बताया या नहीं बताया. जस्ट लेट मी नो दिस, वेदर द मार्क्स ऑफर्ड बाय यू, वेदर आफ्टर सबमिटिंग इट इज शोइंग द मार्क्स और नॉट. तुरंत दिखा दिया ना मार्क्स आपको. लाइक सी, अभी तो मैं आप लोगों को जैसे पता चल जाएगा मेरे को कि पूरे क्लास में किस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती हुआ है, तो आई कैन रिवाइज दैट पर्टिकुलर पार्ट विद द स्टूडेंट्स. एवरेज कितना मिला है बच्चों को, मीडियम मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है, रेंज क्या है मार्क्स का, मिनिमम मार्क्स, हाइएस्ट मार्क्स क्या है. I can see the individual summary also. Varsha ने ये reply किया है. Let us get the print of Varsha's answer. मैं print भी कर सकता हूँ. Google form के response print भी होते, delete भी होते. Like Varsha has said, sir, मैंने गलती से भर दिया. तो मैं क्या करूँगा, Varsha, तुम फिर से ये form भरने का कोशिश करो. Click on this link. What it is showing to you? Click on the link again. What it is showing to you? You have already responded. वर्षा को ये दिखा रहा है, you have already responded. क्यों दिखा रहा है ऐसा? क्योंकि settings पे मैंने क्या क्या limit to one response. अगर मैं ये settings से हटा दूं और इसको save कर दूं, वर्षा now click on the link. Are you able to open the form? हाँ, अब खुल रहा है. तो अगर अपने ये नहीं करेंगे तो एक बच्चा 3-4 बार फॉर्म को भर सकता है. तो अपने को वो काम नहीं करना है. व्हाट वी हैव टू डू इज, वी हैव टू डिलीट द रिस्पॉन्स ऑफ वर्षा. वर्षा बोलिए सर मेरे से गलती हो गई. जैसे श्रियांशु को 0 मिला है, श्रियांशु बोला गलती हो गया सर मेरे से. ठीक है, तो मैं श्रियांशु के फॉर्म को डिलीट कर दूंगा. अब श्रियांशु तुम फॉर्म ओपन करके देखो, तुमसे तुम्हारा फॉर्म खुल रहा है क्या. और अगर खुल रहा है तो फॉर्म को रीसबमिट करो, पहला वाला का आंसर गूगल क्लासरूम है एंड दूसरा वाला का आंसर इज गूगल फॉर्म्स. So this is a way we can delete the response and tell the person again to fill up the form. Now you can see this. The form is again filled. Summary bhi aata hai yahan par. So this is how we can create the marking system. So sir, abhi to settings mein kya tha aapka? Make this a quiz tha aur immediately tha. But mere ko maan lo main college mein exam le raha. To college ka exam mein marks mein bhi nahi bata sakta bachcho ko. तो आई विल क्लिक ऑन लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू. लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करेंगे हम लोग.
ताकि मार्क्स स्टूडेंट्स को डिस्क्लोज ना हो. तो मैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करके इसको सेव कर देता हूँ एंड आई एम डिलीटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ वर्षा एंड श्रांशु बोथ. नाउ यू गाइज अगेन ट्राई द फॉर्म, फिल अप द आंसर एंड टेल मी वेदर द मार्क्स इज शोइंग टू यू और नॉट, कि आपको मार्क्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है. फिल अप द फॉर्म वंस अगेन, फिल अप द फॉर्म वंस अगेन एंड लेट मी नो whether the marks after submission is showing to you or not. नहीं दिखाया तुमको. So what I have to do, I have to click on individual and I have to click on release score. तो release score मैं send email and release. वर्षा check करो इस mail id में कोई mail आया है क्या. चेक करो इस मेल आईडी में मेल आया क्या. श्रियांशु चेक करो, तमन्ना तुम भी चेक करो कि तुम लोग के मेल आईडी में मेल आया है क्या. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ रिलीजिंग द स्कोर. इज इट क्लियर? यस सर. एंड यू आर गेटिंग द कंफर्मेशन मेल ना आफ्टर सब क्लिकिंग ऑन सबमिट. आपके कंफर्मेशन मेल आया होगा राइट. सो दिस वाज गूगल फॉर्म 2. अब बहुत बार होता है कि मेरे को सेक्शन बनाना है, बहुत सारा सेक्शन बनाना है गूगल फॉर्म में. तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई हैव टू क्रिएट डिफरेंट सेक्शन. दिस इज माय गूगल फॉर्म 3. Google Form 3. इस लास्ट सेक्शन वाला आप ऑप्शन कौन सा टिक किए थे? कौन सा? जो लास्ट अभी बोले ना. Release score बोल क्या था? Go to individual in response and then click on release score. Okay. Please fill up the form carefully. सब चीज मेंशन करना चाहिए. द फॉर्म कंटेन्स सेवरल सेक्शंस. तो सबसे पहले मान लो मैं आपसे नेम पूछ लिया, रिक्वायर्ड कर दिया, नेम पूछ लिया एंड आई एम आस्किंग यू पेरेंट्स इनकम. पेरेंट्स इनकम में आई वॉन्ट टू हैव ड्रॉप डाउन 0 to 5 lakhs, 5 to 10 lakhs, 10 to 20 lakhs, above 20 lakhs. डन. अब आई वॉन्ट टू क्रिएट नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन का मतलब क्या होगा? ये भरने के बाद आपका दूसरा सेक्शन आ जाएगा. ये तो शॉर्ट आंसर होना चाहिए. ठीक है, सेक्शन 2 पर्सनल डिटेल्स. College name, school name, again I want to have a section. Career is course pursuing. अब आप देख रहे हो क्या पूछ रहा है. After section 1, continue to section 2, section 2, section 3, submit form.
तो ये डिपेंड करता है, हम इसको वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर 0 to 5 lakhs चूज किया तो उसको सेकंड सेक्शन में भेज देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द आंसर, डिपेंडिंग अपॉन द आंसर आई कैन शिफ्ट द स्टूडेंट्स टू स्पेसिफिक सेक्शन। ठीक है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे, बट अभी ये है कि आफ्टर सेक्शन वन आप कौन सा सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री या सबमिट फॉर्म, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन सेलेक्टेड। अभी हम नॉर्मल बनाया, बस खाली सेटिंग्स में जा करके इसको वो कर देगा, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स एंड सेव इट, प्रीव्यू द फॉर्म। सबसे पहले आपको नाम बताना है, पेरेंट्स इनकम बताना है, फिर आपको लिखा नेक्स्ट, फिर आप डिटेल भरोगे, फिर नेक्स्ट, फिर लास्ट में डिटेल भर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, सबमिट बोल के ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट बोल के ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन आई एम सेंडिंग द गूगल फॉर्म इन द चैट बॉक्स, फिल इट अप सो दैट वी कैन सी हाउ द रिस्पॉन्स कम इन स्प्रेडशीट, इज देयर एनी डिफरेंस। तो सी इन गूगल फॉर्म इट इज कमिंग ऑल टुगेदर, देर इज नो डिविजन, देर इज नो डिविजन ऑफ सेक्शन। ये हम लोग को डिमार्केशन करना पड़ेगा, गूगल स्प्रेडशीट हम लोग को ये डिमार्केशन करके नहीं देगा। लाइक आई कैन हैव हियर इंसर्ट वन लेफ्ट, अगेन इंसर्ट वन लेफ्ट एंड आई कैन मेंशन दिस इज नॉट ऑब्वियसली हेयर, यहां मैं मेंशन कर सकता हूं दिस इज सेक्शन टू, दिस इज सेक्शन टू, सेम थिंग ओवर हेयर, दिस इज सेक्शन थ्री एंड सेम थिंग ओवर हेयर, दिस इज सेक्शन वन। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ सेक्शन वन में ये सब क्वेश्चन पूछा, सेक्शन टू में ये सब पूछा एंड सेक्शन थ्री में ये सब पूछा। सो विथ लिटिल एडिटिंग वी कैन मेक अ कंप्लीट चार्ट ऑफ रिस्पॉन्सेस, देख सकते हैं आप, दो बच्चे ने कहा है अबव 20 लाख, किसी ने कहा है 10 to 20 lakhs, कॉलेज, स्कूल नेम, कोर्स परसुइंग। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली आप लोग पाइथन सीख रहे हैं, यस और नो, आर यू लर्निंग पाइथन? यस सर। हाँ, तो ये जो अलग अलग आया ना MBA CA डेटा एनालिटिक्स, अभी 3 बच्चे हैं तो 3 3 ही रेस्पॉन्स है, बट जब मान लो 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 3000 बच्चे एक साथ लिखते तो बहुत जन क्या करेगा, कोई MBA ऐसे लिख देगा, कोई MBA लिखेगा ऐसे, कोई MBA ऐसे लिखेगा। पाइथन क्या करता है, ये सबको सॉर्ट आउट करके खाली एक बता देगा MBA। तो दैट इज वाई वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, सो दैट इन ऑफिस वर्क ऑल दिस थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट वेरी इजीली। ठीक है, तो अभी तक आप लोग गूगल फॉर्म में क्या क्या सीखा, आप लोग ने क्वेश्चन क्रिएट करना सीखा आप लोग। ठीक है, लाइक दिस इज, छोटा कर देना इसको,
एक्सपैंड कर देना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंड, ये डुप्लीकेट सेक्शन क्रिएट करना है, मूव करना है सेक्शन को या डिलीट करना है सेक्शन को, तो ये उसके लिए है. एंड देन सिमिलर वे वी कैन मूव अहेड. न्यू क्वेश्चन, इम्पोर्ट क्वेश्चन, मतलब किसी और गूगल फॉर्म से क्वेश्चन इम्पोर्ट करना, डिस्क्रिप्शन ऐड करना किसी क्वेश्चन के पहले, इमेज ऐड करना या वीडियो ऐड करना, कोई भी क्वेश्चन में आप, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक और गूगल फॉर्म बनाते हैं, फिर नेम इट एज गूगल फॉर्म 4. क्वेश्चन में इमेज डालना है, इमेज किसका डालना है, मैंने इसका इमेज डाल दिया, क्वेश्चन में इमेज आ गया. क्वेश्चन क्या है, नेम द बिलो, नेम द पर्सनालिटी, अब आई वॉन्ट टू क्रिएट ऑप्शन और आई वॉन्ट टू राइट अ शॉर्ट आंसर, मेक इट अ शॉर्ट आंसर टाइप. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके सेटिंग्स में जाके चेंज कर लूंगा मैं, प्रीव्यू देखिए इसका मिल जाए ऐसा लाइक. तो आप इमेज वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आप इमेज वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. ठीक है, लेट मी एड वन मोर क्वेश्चन एंड आई विल आस्क यू, अपलोड द इमेज ऑफ एमएस धोनी. तो मैं फाइल अपलोड में चला जाऊंगा एंड इन फाइल अपलोड आई हैव टू अलाउ ओनली इमेज, नथिंग एल्स. And file size is not more than 10 MB. I can increase it to 100 MB, 1 GB, 10 GB. ये मेरे ऊपर है. Let me change the image of the header. Get a party kind of thing. Background color मैं change कर सकता हूँ. Now do this. You have to also upload the image of MS Dhoni. So for doing that, first of all, you have to download the image of MS Dhoni.
वर्षा ने गूगल फॉर्म भरा है। वर्षा देखो तुमने इसमें इमेज डाला है, बट क्या मेरे को दिख रहा है एमएस धोनी का इमेज? नहीं नहीं दिख रहा है ना मेरे को एमएस धोनी का इमेज? तो क्या करना होगा मेरे को? मैं तो यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकता हूँ, आई कैन क्लिक ऑन दिस, बट वॉट आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद समवन एल्स, लाइक आई वॉन्ट माई इंटर्न टू चेक इट। सो आई विल, व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ स्प्रेडशीट। जब आप स्प्रेडशीट क्रिएट करते हो ना, देखो लिंक आ जाता है यहाँ पर, तो मेरा इंटर्न क्या करेगा, चेक कर लेगा राइट है या रॉन्ग है। लाइक आई कैन नॉट शेयर द फॉर्म विद इंटर्न, ना फॉर्म इज समथिंग कॉन्फिडेंशियल, बट आई कैन शेयर द रेस्पॉन्सेज विद माई इंटर्न एंड आई कैन हेल्प इट आउट। सो अगर आप देखोगे तो आप कितने तरीके के क्वेश्चन बना सकते हो गूगल फॉर्म में। यू कैन क्रिएट अ एमसीक्यू, यू कैन क्रिएट अ लाइक, यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो अभी आपका टास्क यही होगा, आप अलग अलग जितने भी टाइप के प्रेजेंटेशन है, एमसीक्यू जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू मेक वन गूगल फॉर्म विद इन 5 to 10 minutes एंड try to use all the options and share the link in the chat box. Share the link in the chat box. Create a Google form and try to use different kind of question pattern, and then wherever you will find any problem or mistake, I will rectify it. So please go ahead, because G Suite ke classes mein hands-on experience is very important. Teaching my part is okay, but you have to practice then and there. So that if you are facing any problem with the apps or with the documents, you can ask me out. So go ahead. Please ask doubts, whatever you are facing problems while making the Google form.
हो रहा है वर्षा तमन्ना? यस सर। या सर चेंजेस सब कुछ सेव कैसे करें फाइनली? यू डोंट नीड टू सेव इट आउट, लाइक खाली सेटिंग सेव करना होता है गूगल पे, बाकी सब ऑटोमेटिक सेव होता है। एंड लिंक कहां से मिलेगा? लिंक सेंड सेंड बोल के दिखा रहा है, सेंड बोल के कहां? जस्ट शेयर द स्क्रीन ना। या सर हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, ऊपर की तरफ जाओ, सेंड बोल के ऑप्शन आएगा, देखो सेंड सेंड बोल के ऑप्शन आ रहा है ऊपर टॉप राइट में सेंड। सर डिड यू रिसीव माय फॉर्म? या जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन इट, लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड शो इट टू पीपल आउट हियर। Like this is Varsha's form. The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Any files that are uploaded will be shared outside of the organization, belong not Praveen Patwari. Like I can switch account. If I do not want to enter with this email ID, I can switch it out. So I can take my name over here, Vivek Patwari. Contact number is this. And what is your favorite color? White. Insert an image of your favorite food. So let me have my favorite food. Kya hai bhai? I have one MacBeaker burger right now and just download it. I can simply download this, right click, I have to download option or save image as, and downloads me ja karke I will save it. Wash has added a file. Upload, select files and device, download में जा करके this, open, upload. Did you find this code true? But तुमने तो option नहीं दिया वर्षा इसमें. Sir इसमें मेरे को इसमें यही चीज नहीं समझ आया कि इसका option कैसे लेके आए. अच्छा. Do one thing. हाँ. Share your screen. Share your screen. कहाँ से share करें sir? Present now पर click करो, Google Meet पे present now पे click करो, Google Meet में जाके present now बोल के बटन आया होगा, तो ये allow नहीं हो रहा है screen. तुमको present now वाला बटन दिख रहा है? हम वो कर दिए. लाइक तुम जिससे लॉग्ड इन हो उसी से बात कर रही हो ना? हाँ हाँ. कांट शेयर दिखा. ठीक है, काम करो तुम. मैं सेंड जो एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको वो क्या करना है. डू वन थिंग, ये फॉर्म में जाओ. ये थ्री डॉट्स दिख रहा है तुमको? थ्री डॉट्स? हाँ सर. इस पे क्लिक करके ऐड कोलैबोरेटर में जाओ. अच्छा, एक सेकंड. एंड टाइप दिस मेल आईडी praveen@acutesindia.com एंड डन. इसमें तो बस होवर टेक्स्ट दिखा रहा है तीन डॉट में. लाइक यू आर नॉट एबल टू शेयर द फॉर्म, ऐड कोलैबोरेटर नहीं दिखा रहा है?
नहीं ऐड कोलैबोरेटर नहीं दिखा रहा कुछ ऐसा। हाँ दिखा रहे उसमें किसमें जाए। ऐड को लेबल में क्लिक करके ये आईडी टाइप करो, प्रवीण एट द रेट एक्चुएटर्स इंडिया डॉट कॉम। प्रवीण एक्चुएटर्स इंडिया डॉट कॉम। डन। अब मैं अगर आपका लिंक क्लिक करूंगा ना, अब मैं जब आपका लिंक क्लिक कर रहा हूं तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूं। लाइक हैव यू मेड मी द कोलैबोरेटर? यस सो आई हैव मेड यू द कोलैबोरेटर। बट नहीं दिखा रहे तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। चेंजेस मैं नहीं कर पा रहा इसमें। रीसेंड द लिंक अगेन ना इन चैट बॉक्स। Like go to send, copy the link and send me out. जो भी हो इसमें बस कुछ नहीं करना है तुमको। इसमें मेरे को लगता है तुम क्वेश्चन में जाके ऐड इमेज नहीं किया है। अगर ऐड इमेज करता तो फिर आता। तुम नॉर्मली ऐड इमेज कर दिया है। प्रॉब्लम ये है। आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। ओके लेट अस चेक फॉर्म ऑफ तमन्ना। ईमेल एड्रेस ओके फाइन। नेम हॉबी अटैच योर सीवी। हु इज शी? फिर से तुम लोग को ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको डिलीट करना है तुमको। ओके फाइन लेट मी सी श्रेयांशुस फॉर्म। गूगल फॉर्म वन कॉन्टैक्ट स्लॉट नेम अल्टरनेटिव नंबर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है सी। तुम लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं ना वो क्या कर रहा है, तुम लोग को अगर इमेज वाला कुछ भी पूछना हो ना इमेज वाला, so go to this question, यहां क्लिक करो क्वेश्चन में एंड देन एड अ इमेज। क्वेश्चन में क्लिक करके देन यू एड अ इमेज। ओके सर। लाइक तुम लोग ये क्वेश्चन में क्लिक नहीं कर रहे, तुम लोग जनरली इमेज एड कर दे रहे। हाँ सर वैसे कर दिए। यहां पर क्लिक करके देन यू एड अ इमेज। चलो चेंज करो अपने अपने गूगल फॉर्म में, दोनों जन चेंज करके रीशेयर करो। सर आप कैसे बोले एक बार रिपीट करेंगे? ऑप्शन कैसे चेंज करना है? हु इज शी लिख दिए सर, उसके बाद क्वेश्चन। अच्छा देखो इधर देखो, मैं इसमें लिखूंगा, मैं इसमें लिखता हूँ हु इज शी। ठीक है नाउ गो टू इमेज ब्राउज। लाइक टेक एन इमेज ऑफ एनीथिंग। एक इमेज है यहाँ पर। हाँ तो इमेज कर दो ना, उसके बाद इमेज ऐड करने के बाद तो इसको शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर दो। ओके
मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। जस्ट होल्ड ऑन वंस। हाँ सही है ना, देखो इसको दिखा रहा था, यस नो उसका ऑप्शन दिखा रहे थे। अगर तू शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट करेगा तो ऑप्शन कहाँ से आता, तो मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट करो। इफ यू वांट टू ऑप्शन लाइक दिस तुमको उसको मल्टीपल चॉइस। नहीं सर, शॉर्ट आंसर मल्टीपल चॉइस कभी ऑप्शन नहीं दिखा रहा। जस्ट शेयर योर स्क्रीन नाउ वंस। इधर आओ, थोड़ा सा लेफ्ट करो स्क्रीन, अपने लेफ्ट करो स्क्रीन, लेफ्ट करो। हाँ डू वन थिंग, डिलीट दिस क्वेश्चन, डिलीट करके हाँ ऐड न्यू क्वेश्चन में जाओ, ऐड न्यू क्वेश्चन में जाओ। हाँ ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर करो कैमरा अपना, ऐड न्यू क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, लेफ्ट करो। हाँ लेफ्ट करो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ ये तो मल्टीपल चॉइस आया ना, यहाँ पे डालो हुई शी इसको शॉर्ट आंसर। हाँ इसको करो हुई शी, इमेज ऐड करके इसको शॉर्ट आंसर कर दो। ओके ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल गूगल फॉर्म्स लाइक दिस, लाइक यू हैव टू क्रिएट गूगल फॉर्म्स एंड यू हैव माई नंबर राइट, टेक डाउन माई नंबर 9674528387। एक सर्वे क्रिएट करो, प्रॉपर सर्वे लाइक व्हाट डू यू लाइक, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर सर्वे क्रिएट करो, लाइक सी लाइक यू कैन गो सर्च इन गूगल हाउ टू मेक सर्वे फॉर्म्स एंड ऑल। तो तीन चार सर्वे फॉर्म क्रिएट करो। सर्वे फॉर्म में क्या होता है, वो फीडबैक होता है, दैट इज ग्रेड 1 to 5 में स्केल करना, वो सब करना। तो एक प्रॉपर सर्वे फॉर्म क्रिएट करके मेरे को भेजो, आधा घंटा एक घंटा के अंदर ही भेजो, ठीक है, इन व्हाट्सएप, सो दैट like just create a survey for Coca-Cola versus Pepsi, create a survey anything like कोई भी दो आइटम के ऊपर सर्वे क्रिएट करो, या मोबाइल फोन्स के ऊपर सर्वे क्रिएट करो, चेक इट आउट ना, लेट मी चेक इट आउट, लाइक सर्वे क्वेश्चन ईयर, सर्वे क्वेश्चन ईयर on Digital India, survey question है ना Digital India, तो ये exactly आप लोग देखो इसका जो भी survey है, consumer behavior survey template, एक से ये देखो, यू कैन सी दिस सर्वे, इस हिसाब से सर्वे, एक सेकेंड स्क्रीन देखे, ये मैं लिंक ही शेयर कर दे रहा हूँ, अब अपने अपने प्लेटफॉर्म में चेक करो, इस टाइप का कोई भी एक सर्वे क्रिएट करो, एग्जैक्टली सेम भी क्रिएट कर सकता है तुम लोग, बट इस टाइप का सर्वे क्रिएट करो एक तो, बट उस सर्वे में सब कुछ होना चाहिए, फाइल अपलोड एंड एवरीथिंग एल्स, लाइक यू कैन क्रिएट अ सर्वे लाइक दिस, सर्च करो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वे, ऐसा दो क्रिएट करो, तब तुम्हारा क्या होगा, वो हाथ सेट हुआ ना, तब इसके जो नेक्स्ट वर्जन है, एडवांस वर्जन है गूगल फॉर्म्स, तो फिर वो सब बना सकता है, बट सर्च अ लिटिल बिट, यू हैव टू सर्च अ लिटिल बिट, सर्वेज ऑन कोको कोला, एज पूछता है, हैव यू ड्रिंक, डू यू लाइक ड्रिंक, मतलब इस टाइप से क्वेश्चनियर बनाना पड़ता है आपको, सर्च करना, मतलब ऐसे हड़बड़ी नहीं आज का जो देखो ऐसा, ये देखो यू कैन हैव दिस, आई एम शेयरिंग द लिंक ऑल्सो, इसी को गूगल फॉर्म में कन्वर्ट करके शो इट टू मी, मे बी नॉट टूडे मे बी टूमोरो, नो कंपल्शन, देखो ये एग्जैक्टली ये जो 12 क्वेश्चन है ना,
ऐसा ही पूरा सर्वे क्रिएट कर रहे हो, एक डिजिटल इंडिया का है देखा ऐसा. एंड लाइक फॉरवर्ड दिस क्वेश्चनियर इन द ग्रुप, पीपल विल फिल आउट द फॉर्म, देन रिस्पॉन्सेज आएंगे लाइक दिस. एनी वन ऑफ यू आर इन थर्ड ईयर? नहीं सर, सेकंड ईयर में ना. थर्ड ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है, इट इज कंपलसरी. उस प्रोजेक्ट में ना सर्वे लगता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर ए गूगल फॉर्म लाइक दिस. यू हैव टू प्रिपेयर ए गूगल फॉर्म लाइक दिस. आई विल शेयर यू, मैं आज ही अभी थोड़ी देर में, मेरे पास आता रहता है सर्वे फॉर्म, तो मैं सर्वे फॉर्म अगर मेरे पास ऐसा कुछ भी आता है ना, मैं आपको शेयर आउट करूंगा. तो वो सर्वे फॉर्म जब देखोगे ना, तब देखोगे गूगल फॉर्म को कितना एक्सटेंसिवली वी कैन यूज इट. Like it is very useful for having survey. Praveen has made survey forms. Let me show you some of the forms that we have created from this ID. Like एक तो बना था. ये सब तो क्या है, सब survey form ही तो बोलते हैं सबको. Pre-exam session, full name, email ID, page, papers you are appearing, number of hours you are currently giving. ये क्या है, सर्वे फॉर्म ही तो है. तो ऐसा ही कोई भी एक बढ़िया चीज के ऊपर, दो चीज के ऊपर में सर्वे फॉर्म आप गूगल में सर्च करो, क्या क्या क्वेश्चनियर होना चाहिए. जिस जिस टाइप के क्वेश्चनियर है उसको फॉलो करके गूगल फॉर्म बना के, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया आपको, उसमें शेयर करना. फिर जो भी गलती होगा आई विल रिप्लाई देन एंड देयर. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर. ओके, टेक केयर देन.